Good morning students, today we will read about aptitude skills. So students, आज हम chapter first start करेंगे analogy. तो analogy क्या होती है, let's see in the exercise. तो जो हमारा इसका first question है वो है find the analogy between the given pairs and pick up the correct options. तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें pairs दिए गए हैं, ठीक है, सीरीज दी गई है, पेयर्स दिए गए हैं, इन पेयर्स को हमें देखना है, पहचानना है, ठीक है, कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, और नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो भी उससे रिलेट करना चाहिए. ओके, तो देखो इसके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टार्टिंग में आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे काउ एंड काल्फ, ठीक है, एंड तो फिर ये एक हमारा पेयर हो गया. ओके, एंड फिर है हमारा डियर. अब डियर हमारा किससे रिलेट करता है, देखो किचन, पपी एंड फर्न. ओके, तो क्या आएगा हमारा, फर्न. ओके, ऐसे ही हमारा है सेकंड, इंडिया न्यू दिल्ली. अब इंडिया और न्यू दिल्ली तो में क्या रिलेशन होगा हमारा, इंडिया कंट्री है एंड न्यू दिल्ली इसकी क्या है, कैपिटल. तो इन दोनों में ये रिलेशन हुआ कि इंडिया कंट्री हुई और ये इसका कैपिटल. एंड अब नेक्स्ट है हमारा नेपाल. अब नेपाल के आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है. तो अब नेपाल की कैपिटल क्या होगी, ए ऑप्शन में हमारा है लाहौर, बी में है काठमांडू एंड सी में है भूटान. तो हम क्या टिक करेंगे, काठमांडू. क्यों, क्योंकि नेपाल की हमारी कैपिटल क्या होती है, काठमांडू. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह से पेयर्स पहचानने हैं और इन दोनों में रिलेशन, पेयर्स के जो दोनों हमारे नेम दिए हुए हैं उन दोनों में क्या रिलेशन है. जैसे इंडिया, इंडिया में ये न्यू दिल्ली था, ठीक है, वैसे ही जैसे कि न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, वैसे ही काठमांडू जो है नेपाल का कैपिटल है. तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन बी टिक कर दिया है. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है. ओके, एक और थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, क्रॉप्स एंड फार्मर, ठीक है. तो क्रॉप्स एंड फार्मर इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, ये आपको मालूम है, क्रॉप्स और फार्मर का रिलेशन हुआ, ठीक है, फसल और जो भी, और फार्मर किसान, वो उन दोनों में क्या हुआ, क्योंकि फसल जो है वो कौन उगाता है, वो किसान उगाता है, इसका मतलब क्रॉप्स और फार्मर में हमें एक रिलेशन मिला. उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट इसका करेंगे. देखो फर्नीचर, और अब देखो फर्नीचर का रिलेशन हमारा इन तीनों ऑप्शंस में किसके साथ होता है, देखो टेलर क्या करता है हमारा, टेलर तो कपड़े वगैरह सिलने का काम करता है, स्टिचिंग वगैरह करता है. और बी है हमारा कारपेंटर. अब कारपेंटर हमारा क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक कर दिया है, ठीक है. तो कारपेंटर और फर्नीचर का वही रिलेशन हुआ जो क्रॉप्स और फार्मर का होता है, ठीक है, क्योंकि फसल कौन उगाता है हमारा, फार्मर उगाता है. ओके, उसी तरह से जो भी फर्नीचर हमारा होता है वो कौन बनाता है, कारपेंटर. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह से पेयर्स में रिलेशन फाइंड करना है एंड आपको इसके आगे जो भी मतलब रिलेशन आपको मिलता है वही आपको अगले वाले में ढूंढना है और इन तीनों ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा यहाँ पे सूटेबल होता है. ओके, और आपको वही ऑप्शन टिक करना है. तो आपको ये चैप्टर इसी तरह से करना है, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास में 9 क्वेश्चंस है जिसमें से 3 यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2. ओके, तो इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, देखो कंप्लीट द फिगर्स. चैप्टर नंबर 2 है हमारा, उसमें है वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस कंप्लीट ईच ऑफ द गिवन फिगर्स आइडेंटिफाई एंड एनसर्कल द करेक्ट आंसर. तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी हुई है. ओके, और उसमें कुछ ड्रॉ किया हुआ है, कुछ फिगर्स हैं जिनमें कुछ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और वह उन पिक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें एक और बॉक्स की ज़रूरत है, ठीक है. तो हमें वो बॉक्स फाइंड करना है जो इसमें एकदम फिक्स बैठता है, ठीक है, जो इसमें एकदम सूटेबल हो. ओके स्टूडेंट्स, तो जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है मैं आपको वो बताती हूँ. देखो यहाँ पे हमारे पास में एक बॉक्स है जिसमें कुछ ड्रॉ किया हुआ है. तो अब देखो लास्ट में यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वाला बॉक्स हमारा फिट बैठता है, हमें वो यहाँ पे रखना है, मतलब उस पर हम क्या करेंगे, सर्कल लगा देंगे, जो सही होगा उस पर हम सर्कल लगा देंगे. देखो तो ऑप्शन ए को अगर आप
यहाँ पे बैठाते हो तो वो नहीं होगा, ठीक है, वो सूट नहीं करेगा, पिक्चर कंप्लीट नहीं होगी, वो रॉन्ग हो जाएगी। ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग होगा, ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग होगा। एंड अगर आप ऑप्शन डी को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर लगाते हो तो देखो हमारी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ये कैसा हुआ स्टूडेंट्स, ये पजल टाइप हो गया। आपने पजल खेला होगा, तो जैसे आप पजल खेलते हो तो ये उसी के अकॉर्डिंग है, कैसे आप पीसेस को, टुकड़ों को जोड़कर और उन्हें एक कंप्लीट करके एक पिक्चर बनाते हो, तो उस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन आया, डी, तो हमने डी पर सर्कल लगा दिया। अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में एक बॉक्स है, एक्स बॉक्स जैसा बनाया हुआ है, स्क्वायर जैसा, एंड उसमें एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और उसमें चार फोर हमारे स्क्वायर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन मार्क वाले स्पेस पे एक बॉक्स लगाना है, कौन से हम, और इस पिक्चर को हमें कंप्लीट करना है। तो आप इस पिक्चर को कैसे कंप्लीट करेंगे, जो भी पिक्चर इन, ये जो हमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो भी करेक्ट होगा उस पे हम सर्कल लगा देंगे। तो ऑप्शन ए को अगर आप क्वेश्चन मार्क वाली जगह लगाते हैं तो ये पिक्चर हमारी कंप्लीट नहीं होगी और ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी को आप लगाएंगे तो वो भी नहीं होगा, एंड ऑप्शन सी को अगर आप यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह लगाते हैं तो ये पिक्चर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपको ये करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ सर्कल लगाना है, आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको ये बुक में ही फिल करना है। ओके, तो जैसे मैंने ये दो क्वेश्चंस आपको करके बताए हैं आपको वही करना है आपके बाकी के फोर क्वेश्चंस में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स ही आपको करना है इससे। ओके स्टूडेंट, ये एकदम इसी के जैसा है, सिमिलर है सब। ओके, तो आप इसे कीजिएगा। एंड अब मैं चैप्टर थर्ड की बात करती हूँ। ओके, अब चैप्टर थर्ड जो हमारा है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, गैस द लेटर्स एंड वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें ए और बी टू टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, ए वाला। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इंसर्ट अ लेटर दैट कंप्लीट्स द फर्स्ट वर्ड एंड बिगिंस द सेकंड वर्ड। तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें हमें एक स्पेलिंग दी हुई है, ठीक है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, और ये जो स्पेलिंग है, ये जो वर्ड है, इसमें हमें बीच में देखो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो वहाँ हमें एक वर्ड, एक लेटर फिल करना है जो हमारे फर्स्ट वर्ड को भी कंप्लीट करता हो और सेकंड वाले वर्ड को भी कंप्लीट करता हो। तो जो फर्स्ट वर्ड है उसके तो वो लास्ट में आना चाहिए और जो हमारा सेकंड वर्ड है उसके वो स्टार्टिंग में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है, तो फर्स्ट वाला जो है उसमें हमारा लिखा हुआ है पी एल ए एंड क्वेश्चन मार्क, फिर ए आर डी। तो अब क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या फिल करें कि हमारा वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाए। देखो अगर आप ऑप्शन जो ए है अगर आप वो फिल करते हैं, मीन्स एक्स, एक्स अगर आप फिल करते हैं तो यहाँ पे हमारा कोई वर्ड नहीं बनेगा क्योंकि प्लेक्स, प्लेक्स कोई वर्ड नहीं होता। देन अब हम बात करते हैं बी वाले की, तो बी में है हमारा वाई। तो अगर आप क्वेश्चन मार्क की जगह वाई फिल करते हैं तो आपका क्या वर्ड बनेगा, पी एल ए वाई, मीन्स प्ले। ओके, एंड सेकेंड वर्ड क्या बनेगा, वाई ए आर डी, यार्ड। ओके स्टूडेंट, तो प्ले एंड यार्ड, ठीक है, ये आपका वर्ड बन गया है जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। एंड अगर आप सी एल अगर आप लगाते हैं तो प्लेल, ये कोई वर्ड नहीं होता। अगर के आप लगाते हैं प्लैक, तो ये भी कोई वर्ड नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे वाई करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमने ऑप्शन बी के आगे राइट टिक कर दिया है। ओके, अब हम सेकंड वाले की बात करते हैं, तो सेकंड वाले में है हमारा एस यू पी ई क्वेश्चन मार्क एंड ए टी ई। तो अब देखो अभी हम इनके ऑप्शंस में से चेक करते हैं, ऑप्शन ए में हमारा एल है, तो अगर आप क्वेश्चन मार्क की जगह एल लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सुपल। अब सुपल तो कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। और ना ही हमारा लेट, लेट तो हमारा कोई वर्ड हो गया, अगर आप लेट सेकंड वर्ड पढ़ते हैं तो ये तो हमारा वर्ड हो गया, बन गया, पर हमारा फर्स्ट वर्ड तो बनेगा ही नहीं। तो अब हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं, बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमें, ए। अगर आप ए पुट करते हैं वहाँ पे तो सुपर, सुपर तो मतलब एस यू पी ई ए, ये हमारा कोई वर्ड नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम सी ऑप्शन को चेक करते हैं, सी ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, एम।
तो आप क्वेश्चन मार्क की जगह एम पुट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, एस यू पी ई एम, तो ये भी हमारा कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, हमारे दोनों वर्ड कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन डी है आर। अगर आप क्वेश्चन मार्क की जगह आर पुट करते हैं तो आपका क्या वर्ड बनेगा, देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह अगर आप आर बनाते हैं तो क्या होगा, सुपर, एस यू पी ई आर, सुपर, सुपर तो आपका वर्ड होता है। ठीक है, एंड सेकंड वर्ड क्या बनेगा, आर ए टी ई, रेट, तो रेट भी हमारा वर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके, और आपको जो राइट होगा मतलब करेक्ट जो ऑप्शन होगा उसकी आगे राइट टिक कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बाकी के तीन क्वेश्चंस आपको करने हैं खुद से। अब मैं क्वेश्चन बी की बात करती हूँ, तो क्वेश्चन बी है हमारा, एड अ वर्ड टू द ब्लैंक सो दैट द वर्ड, सॉरी, एड अ वर्ड टू द ब्लैंक सो दैट द फर्स्ट वर्ड इज कम्प्लीट एंड द सेकेंड वर्ड स्टार्ट्स। ओके, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में हमें लेटर्स वाला करना था, एक लेटर के लिए देखा, लेटर के लिए हमें करना था, हमें लेटर लिखना था जिससे पहले वाला वर्ड भी हमारा कंप्लीट हो एंड सेकंड वाला भी हमारा कंप्लीट हो। लेकिन अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमें एक वर्ड फाइंड करना है जो हमारे फर्स्ट वाले को भी कंप्लीट करे एंड सेकंड वाले को भी कंप्लीट करे। ओके, तो हमारा फर्स्ट में है क्वेश्चन एंड ब्लैंक स्पेस एंड बैंक। तो देखो अब आपको इस डैश में ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उनको उस डैश में पुट करना है और देखना है कि ये हमारा कोई वर्ड बनता है या नहीं बनता है। देखो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं तो फर्स्ट में लिखा है हमारा क्वेश्चन डैश एंड बैंक। अब इसका ऑप्शन ए है पेपर, अगर आप डैश में पेपर पुट करते हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन पेपर एंड पेपर बैंक, तो क्वेश्चन पेपर तो आपका वर्ड बन गया लेकिन पेपर बैंक हमारा वर्ड नहीं बना। पेपर बैंक क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी में है हमारा बुक। तो अगर आप डैश में बुक को पुट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन बुक, तो क्वेश्चन बुक हमारा पहला वर्ड हुआ एंड सेकेंड वर्ड क्या होगा, बुक बैंक। ठीक है, तो ये हमारे दोनों वर्ड कंप्लीट हो गए तो हमारा ये राइट ऑप्शन होगा, तो मैंने यहाँ पे राइट टिक कर दिया। ओके, ऐसे ही हमें सेकंड वाला करना है, सेकंड में हमें दिया हुआ है ट्यूब डैश एंड हाउस, तो हमारा इसमें क्या आएगा, लाइट। क्यों, देखो लाइट को अगर आप पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या हुआ, ट्यूबलाइट एंड सेकेंड वर्ड क्या होगा हमारा, लाइट हाउस। ठीक है, तो हमारे ये दोनों के दोनों वर्ड कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये इस तरीके से एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से पूरे तीनों चैप्टर्स आपकी बुक में ही फिल करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड आप ये सब फिल करने के बाद आपकी जो बुक है उसके लास्ट में आपको इनके आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से इन्हें क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके, ठीक है।